गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। एज यू नो, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 7 एंड आवर टॉपिक वाज मॉडर्न क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय हेनरी मोजले। एंड इन द लास्ट क्लास वी डिस्कसिंग अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस पीरियड्स। जो 7 पीरियड इन्होंने बनाए थे, हम बात करें अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन की, टोटल जो एलिमेंट्स डिस्कवर थे उनको 7 पीरियड्स में डिवाइड किया गया, और 7 पीरियड्स के साथ साथ 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो पीरियड्स के बारे में हम जानकारी ले रहे थे, एक बार फिर से देखिएगा। फर्स्ट पीरियड जिसमें कि 2 एलिमेंट होते हैं, इसको हमने नाम दिया वेरिसोल पीरियड। फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स आ गया, वेरी शॉर्ट पीरियड, इसको हमने कहा वेरी शॉर्ट पीरियड। फिर हमने सेकंड पीरियड को देखा, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इसको हमने नाम दिया है शॉर्ट पीरियड। बात करें अगर थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड में आपने 8 एलिमेंट ही देखे थे, और 8 ही होने की वजह से इसको भी हमने नाम दिया है शॉर्ट पीरियड। बात करें नेक्स्ट पीरियड नंबर 4, फोर्थ पीरियड में हमारे पास एलिमेंट आए हैं 18 और इसको नाम दिया गया है लॉन्ग पीरियड। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, नाम इसको दिया गया लॉन्ग पीरियड। इसी तरह से बात करें फिफ्थ पीरियड की, तो फिफ्थ पीरियड में हमारे पास एलिमेंट आए हैं अगेन 18 और इसको भी नाम दिया गया है लॉन्ग पीरियड। इसके बाद पीरियड नंबर 6 की बात करें, तो सिक्स पीरियड में हमारे पास एलिमेंट आए हैं 32 और सिक्स पीरियड को नाम दिया गया है वेरी लॉन्ग पीरियड। सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, इसको नाम दिया गया वेरी लॉन्ग पीरियड। बात करें लास्ट और सेवंथ पीरियड की, सेवंथ पीरियड में अभी जो एलिमेंट्स हैं उनको कंप्लीटली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिस्कवर नहीं किया जा चुका है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया इनकम्प्लीट पीरियड। यानी सेवंथ पीरियड आपका होगा इनकम्प्लीट पीरियड। ओके, इसके आगे की बात अपन करते हैं। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स में किस तरह से एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया, कौन कौन से एलिमेंट्स को कौन कौन से ग्रुप में रखा गया, वो अपन यहां जानकारी लेने वाले हैं। नाउ द फर्स्ट ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में जिन एलिमेंट्स को रखा गया है उनको हम कहते हैं एस ग्लोब एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड इन एस ग्लोब एलिमेंट्स आर मेटालिक इन द नेचर एंड दे आर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1 एंड 2। यानी ग्रुप नंबर 1 और 2 से जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं उनको हमने कहा एस ग्लोब एलिमेंट्स। नाउ सेकंड कैटेगरी, ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, यहां जो एलिमेंट्स आते हैं उनको नाम दिया गया है डी ब्लॉक। याद दीजिएगा, यहां डी ब्लॉक लिखा है क्योंकि जो डी ब्लॉक है एस और पी ब्लॉक के बीच में आने वाले एलिमेंट्स हैं। हालांकि आना तो यहां पे पी चाहिए था, सीक्वेंस अपन फॉलो कर रहे हैं, ग्रुप की भी सीक्वेंस हमने ली है, एस के बाद में पी आना चाहिए। डी क्यों आया, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अपन नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसलिए वो एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। साथ ही साथ उनमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि उनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, वो एक वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ओके, थर्ड वन, नाउ ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18, 13 टू 18 की बात करें तो यहां देखिए कौन आएगा, यहां पे आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम इंक्लूड करेंगे। और लास्ट वन फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में देखिए जो आपका एक अलग फॉर्मेट बनाया हुआ है एक्टिनोइड्स एंड लैंथेनोइड्स, लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स भी कह देते हैं, चलिए अपन जैसे हैं वैसे लिख लेते हैं। फोर्थ में आप कहेंगे लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स, और यहां आपका जो ब्लॉक रहेगा वो एफ ब्लॉक रहेगा। अब देखिए इनकी खास बात क्या है, कहां से कहां तक के आपके लैंथेनोइड्स हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 58 टू 71 एटॉमिक नंबर,
एटॉमिक नंबर 58 टू 71 जो एलिमेंट्स हमारे हैं उनको हम कहते हैं लैंथेनॉइड्स। जो लैंथेनम के बाद में आते हैं, जो एक्टिनियम के बाद में आते हैं उनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर देखने को मिलेगा 92103 आपके एक्टिनॉइड्स हैं। तो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दोनों को मिला के नाम दिया गया है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम बात करें अगर लैंथेनॉइड्स की, तो वहां पर भी आपको 14 एलिमेंट्स ही मिलेंगे। एक्टिनॉइड्स में भी आपको 14 एलिमेंट्स ही मिलेंगे। 14 लैंथेनॉइड के हैं, 14 आपके एक्टिनॉइड्स के हैं, दोनों मिला के आपके 28 एलिमेंट जो हैं एफ ब्लॉक में इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये हमारे ग्रुप्स का डिस्क्रिप्शन था। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जो कि हायर क्लासेज में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और टॉपिक आपका आ रहा है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी यानी एलिमेंट्स में किस तरह से पीरियड्स और ग्रुप्स के अकॉर्डिंग चेंज आएगा। और द डेफिनेशन, द चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू वेरियस पीरियड्स एंड ग्रुप्स। द चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड्स एंड ग्रुप्स, वो किस पीरियड में आ रहे हैं, किस ग्रुप में आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग जो चेंजेस आएगा उस चेंजेस को अपन कहते हैं पीरियोडिसिटी। और सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं फर्स्ट पीरियोडिसिटी, जो कि आपका है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज देखिएगा, एटॉमिक साइज, एक एटम की साइज अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये मान लीजिए किसी एटम का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर आपको पता है कौन प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं सेल्स। तो देखिए जितने सेल्स होंगे उसमें लास्ट वाला जो सेल होगा वो एटम के रेडियस को डिसाइड करेगा। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड सर्कमफेरेंस इज नोन एज स्मॉल आर रेडियस। ये आपकी स्मॉल आर होती है, रेडियस होती है। उसी तरह से एटम में भी रेडियस होती है। जो आउटर मोस्ट सेल है, मान लीजिए किसी एलिमेंट में 3 सेल है के एल एम, तो एम जो सेल है उसकी न्यूक्लियस के साथ जो डिस्टेंस हम मीजर करेंगे उस डिस्टेंस को हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। भाई हाँ ये भी तो रेडियस ही है, तो ये आपके बन जाएगी, भैया आपका हो गया न्यूक्लियस, जो कि डेंस पार्ट है। न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल तक के डिस्टेंस को हम नाम देंगे एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस ही एटम की साइज को डिसाइड करते। तो सुनेगा डेफिनेशन क्या बनेगी, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस, एंड एटॉमिक रेडियस डिसाइड्स द एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम। जो रेडियस होगी वही एटम की साइज को भी डिटरमाइन करेगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक साइज इन ए पीरियड। इन ए पीरियड पीरियड में किस तरह से एटॉमिक साइज में वेरिएशन आएगा, चेंज आएगा। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, ये मान लीजिए आपके सामने एग्जांपल है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। ये आपका हो गया पीरियड नंबर थर्ड। थर्ड पीरियड में आप देखें लगातार लेफ्ट टू राइट अपन चलेंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है 11 देन 12 देन 13 14 15 16 17 18, लगातार एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब एक चीज आप ध्यान रखें, अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, आप जानते हैं प्रोटॉन कहां प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, साथ में न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे जैसे एटम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल आल्सो बी इंक्रीज, ड्यू टू विच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक एटम का एक चार्ज होता है, इस चार्ज को हम नाम देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो उस केस में जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल को एक पावर के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस वहां डिक्रीज हो गई है। नाउ लिसन टू मी, व्हेन यू मूव इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट, व्हेन यू मूव इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट दैन एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज, एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज ड्यू टू विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल ऑल्सो बी इंक्रीज, हेंस
द एटॉमिक रेडियस और साइज विल बी डिक्रीज्ड, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हुए, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट सेल को अपनी तरफ पुल करेगा, तो रेडियस डिस्टर्ब होगी, इवन रेडियस पहले की कंपैरिजन में स्मॉल हो जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं व्हेन मूव इन ए पीरियड देन एटॉमिक साइज इज डिक्रीज्ड। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेटर ऑन विल डिस्कस टुमारो, थैंक यू सो मच।